सुनो, हाथों को आसमान की जानिब ही बुलंद करके क्यों दुआ मांगनी चाहिए? मौला अली अलैह सलाम ने फरमाया, जब कोई इंसान नमाज के बाद फारिग हो तो वो अपने हाथों को आसमान की तरफ ही करके दुआ मांगे। तो ये बात सुन के मुल्क सबा के एक बाशिंदे ने मौला अली से कहा, क्या अल्लाह पाक हर जगह मौजूद नहीं है? तो मौला अली अलैह सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक हर जगह मौजूद है। तो इसने कहा कि फिर आसमान की तरफ ही हाथ क्यों बुलंद किए जाएं? जिस पर मौला अली अलैह सलाम ने फरमाया, क्या तुमने कुरान में वो आयत नहीं पढ़ी कि तुम्हारी रोजी जिसका तुमसे वादा किया गया है वो आसमानों पर है? सूरह जारियात आयत नंबर 22 का ये तर्जुमा है। तो जहाँ रिस्क है वहीं से तो रिस्क तलब किया जाएगा, और अल्लाह पाक ने आसमान से ही रिस्क देने का वादा किया है।